हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सर्वनायक विस्तार सीरीज की पांचवी कॉमिक्स। इसके पहले की चार कॉमिक्स मौत का मैराथन, विषपुत्रों का आगमन, विष क्षेत्र संरक्षणम और स्वर्ण नगरी की तबाही चैनल पर अपलोड है। आपको सर्वनायक विस्तार सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रकोष्ठ के कैदी। सर्वनायक विस्तार, पूर्वसार, युगम धरित्री अस्य। सृष्टि के आरंभ से ही देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध चला आ रहा है और प्रायः देवताओं के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए राक्षस बार बार आक्रमण करते ही रहते हैं। इसी युद्ध की अंतिम कड़ी है राक्षस राज चंडकाल, राक्षसों का आखिरी वंशज, जिसने वर्षों पूर्व एक परम शक्ति को देव नगरी से प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु उसे देवों के सेनापति मृत्युंजय के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर चंडकाल वापस लौटा है अपने उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। वह पहले से बहुत शक्तिशाली है और उसने स्वर्ण नगरी के सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त करके स्वर्ण नगरी प्रकोष्ठ के सभी कैदियों को स्वतंत्र कर दिया है। इधर ये कैदी स्वर्ण नगरी में मृत्यु तांडव मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ धनंजय और ध्रुव उलझे हुए हैं असुरी ऊर्जा से। तो क्या चंडकाल स्वर्ण नगरी से उस परम शक्ति को प्राप्त कर लेगा या उसे फिर से कैद कर लिया जाएगा? जानने के लिए पढ़ें प्रस्तुत खंड। सैतीस सौ वर्ष पूर्व राजनगर रियासत के चंद दबे कुचले लोगों को भड़का कर तू ने यह फौज इकट्ठी की है। इनकी मदद से तू जिन मंसूबों को पूरा करने निकला है उसका अंत आज मेरी सेना द्वारा होकर रहेगा। और अगर तू इस युद्ध में मारा भी नहीं भी गया तो याद रखना, तू कारागार में ऐसी यातनाएं भुगतेगा कि उनके सामने तुझे नरक की यातना भी छोटी लगेगी। जिनको तू दबा कुचला और तुच्छ समझ रहा है गजबल, वे तेरी मौत का फरमान है। तू ताम्र ऐसी शक्तियों को हासिल करने की चेष्टा करता रहा जो तुझे अविनाशी और अमर बना दे। इसके लिए तूने सैकड़ों युद्ध लड़े, लाखों मासूमों का रक्त बहाया और अपने राज्य की जनता का भी निर्ममता पूर्वक शोषण किया। पर तू ये भूल गया कि असली शक्ति जन शक्ति होती है जो बड़े बड़े साम्राज्य को भी धूल में मिला देती है। श्री राम ने भी तुच्छ सी लगने वाली वानर सेना के साथ रावण के अत्याचार का अंत किया था। आज ये शुक्राल विक्रांति की मशाल लिए अपनी जन सेना के साथ खड़ा तेरे पतन का साक्षी बनने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। तेरा यह सारा बड़बोलापन तेरे और तेरी सेना के अंत का कारण बनने जा रहा है। आगे बढ़ो और धूल में मिला दो शत्रु सेना को, तो फिर आज ये संसार भी देखेगा गजबल की कैसे इस माटी का सपूत अपनी तलवार शाकल्य से इस धरा को रक्त का स्नान कराता है। जय राजनगर, जय वीर शुक्राल। तेरे सभी मायावी वार मेरी ढाल शलाका के सामने यूं विफल होंगे जैसे बाज के सम्मुख किसी सर्प के पैतरे। शुक्र शिष्य शुक्राल जो जन्म जन्मांतर के चक्र के कारण अपना अस्तित्व भूल बैठा था, परंतु एक चीज थी जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। वह थी उसका अद्भुत रण कौशल और अद्वितीय युद्ध नीति और युगों तक जन्म लेने के पश्चात भी शाकल और शलाखा से उसका साथ। चाहे शुक्राल का पराक्रम हो या उसके दो अभिन्न अस्त्र जिनकी सराहना किए बिना शत्रु भी नहीं रह पाता था। अद्भुत है इसका पराक्रम और अद्भुत है इसकी ढाल और तलवार। कितनी सहजता से इसने न सिर्फ मेरे सर्प व्यू को भेद दिया बल्कि अब हमारा सुरक्षा घेरा तोड़कर तेजी से हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। इसके ये अस्त्र तो सम्राट गजबल दौरे के पास होने चाहिए और उसके लिए इसकी मृत्यु आवश्यक है। जब तक यह जीवित रहेगा मृत्यु की नंगी तलवार बनकर मेरे सिर पर नाचता रहेगा। धनुर्धारियों तीर बरसाओ। गजबल दौरी के इशारे पर कई तीर शुक्राल की तरफ लपके जरूर, पर कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। वर्षा की फुहारों से औलाद छिदे हैं क्या कभी? परंतु कुछ तीरों के लक्ष्य अलग थे। तिनकों के रोके तूफान भी रुके हैं क्या कभी? खचाक। बता शाकल्य, मासूम जनता का लहू पीने वालों के लहू का स्वाद कैसा है? और इससे पहले कि नए तीर अपने लिए कोई नया लक्ष्य चुनते, उन्हें चलाने वाले किसी और का लक्ष्य बन गए। बस अब और कोई हमारे बीच नहीं आएगा। इसकी तलवार का दमखम अब हम खुद परखेंगे। अगर ये तेरी अंतिम इच्छा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इसका अंतिम इच्छा अंतिम किसकी सिद्ध होगी ये तो निर्णायक युद्ध से ही पता चलेगा। हर युग में जन्म लेना ही शुक्राल की नियति है, नियति जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक युग में अनेकों बार शुक्र शिष्य शुक्राल को किसी महापराक्रमी योद्धा के रूप में जन्म देती है। टन युद्ध समाप्त गजबल, टनाक मृत्यु के लिए तैयार हो जा। मृत्यु के लिए तो गजबल सदैव तैयार रहता है, अपने शत्रु की मृत्यु के लिए। तेरा अंत आरंभ होगा। अंत का भय उन्हें होता है जो अपने अंत का सामना करना नहीं जानते। था और इस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात शुक्राल के भाग्य में आती है
एक निश्चित निर्मम मृत्यु, किंतु आज कदाचित अपने उद्देश्य की पूर्ति से पूर्व हो जानी थी शुक्राल की मृत्यु। खचाक। लेकिन क्या तू अपने अंत के लिए तैयार है शुक्राल? तू भूल गया कि अपना पूरा जीवन गजबल ने दिव्य और मायावी शक्तियां अर्जित करने में व्यतीत किया है। तू जिसकी गर्दन काट के जीत की खुशी मना रहा था कीड़े, वह सिर्फ मेरा रेत से बना अभिमंत्रित प्रतिरूप था। तू मुझे छल से मारने में सफल अवश्य हो गया गजबल, पर ये मत समझना कि मेरी मृत्यु तेरे निष्कंटक राज का मार्ग सुनिश्चित करेगी। अगर मैं जीवित ना रहा तो काच तुझे भी सांसें लेने की इजाजत नहीं दूंगा। अपने धर्म को निभाए बगैर यह वीर मृत्यु को भी खुद पर हावी होने की स्वीकृति नहीं देता। कुछ समय पश्चात महाराज मृत्यु की कगार पर किसी भी क्षण के प्राण देते आ सकते हैं। महाराज गजबल ने ऐसी स्थिति के लिए ही हमें विशेष आदेश दिया था इस विशेष स्थान पर लाने का। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर इसे मेरे पास लाए हो। यदि इसके प्राण निकल जाते तो इसके शव को परिरक्षित करने का कोई फायदा नहीं होता। अब इसके निकलते हुए प्राण इसके शरीर के साथ ही संरक्षित हो जाएंगे सदा के लिए। अब जब भी यह अपनी संरक्षित निद्रा से जागेगा तो दुनिया पर कहर बनकर टूटेगा। जाओ सेवकों, अपने सम्राट को पूरी शान और शौकत से उसकी कब्र में दफन करो। स्वर्ण नगरी वर्तमान। तो स्वर्ण नगरी की सुरक्षा का आधार स्तंभ सामदेव स्वयं आया है प्रकोष्ठ की रक्षा के लिए, पर प्रकोष्ठ का रक्षा कवच टूट चुका है। अब हमारे शरीर भी स्वतंत्र हैं और मन भी। अब तू और तेरी देव सेना मिलकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। निबुत्सु, मेरे हाथ में थमा धनुष साम धनुष है। इसका निर्माण दिव्यास्त्रों के निर्माता शिव की निर्माण पद्धति और स्वर्ण नगरी की प्राचीन विज्ञान तकनीक के सहयोग से किया गया है, जो न तुम सबके शरीर को स्वतंत्र रहने देगा और न ही तुम्हारी शक्तियों को। उफ, ये कैसी ऊर्जा है जिसके पार न हम जा पा रहे हैं और न हमारी कोई शक्तियां। ये सामदेव की समाऊ साम ऊर्जा है, किसी भी तामसिक शक्ति को बांध सकती है। ये तामसिक शक्तियों को अवश्य तेरी साम ऊर्जा बांध सकती है, पर इस देव के शरीर से निकलने वाली शक्तियां दैविक है, तामसिक नहीं। महामानव को तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है पीली पोशाक वाले। यह मूर्ख देव भूल गया कि महामानव कोई तामसिक शक्ति नहीं है और इसकी ऊर्जा महामानव को नहीं बांध सकती। तामसिक शक्ति हो या मानसिक शक्ति, साम ऊर्जा के अमोद अस्त्र से नहीं बचोगे तुम लोग। तेरी इस साम ऊर्जा का उद्गम स्रोत खुद तू है देव, तुझसे ही एक ऊर्जा उत्पन्न उपज रही है। जरा सोच क्या होगा अगर हम तेरी इस ऊर्जा को सोखते चले जाएं। इंसानी मकौड़े, कद बित्ते भर को और बातें बड़ी बड़ी। इस बौने और गिरगिट के वार ने सामदेव को अचेत कर दिया। यह तो जैसे मुझे मुंह मांगा वरदान मिल गया हो। यही मौका इसके शरीर पर अधिकार करने का। आखिर में सफल हो ही गया। सामदेव का शरीर मेरे नियंत्रण में आ गया, मतलब देवों की शक्ति की कुंजी मेरी मुट्ठी में आ गई। अब आएगा वास्तव में राक्षस राज्य। देव जाति को अपने रक्षक पर अटूट विश्वास था, पर क्या उनका विश्वास और धनंजय की इच्छा शक्ति आज टूट जाने वाली थी? ठोस ऊर्जा कवच की आड़ लेकर अगर तू बचने की सोच रहा है देव धनंजय, तो बता दू कि महाराक्षस असीतु इंद्र के वज्र को भेदने की क्षमता रखता है। अपने सामर्थ्य से ज्यादा मत बोल असीतु। अगर इंद्र के वज्र को भेदने में तू सक्षम होता तो चिर मूर्छा का दंश न झेल रहा होता। रही बात ऊर्जा कवच की आड़ की, तो मैं आड़ नहीं आर या पार का इरादा रखता हूं। फिर तो समझो तुम ये आर या पार का युद्ध हार गए देव धनंजय, क्योंकि तुम्हारा कवच हमारे मानसिक प्रहार को नहीं रोक सकता। तुम लोग प्रकोष्ठ से बाहर कैसे आए? उसी तरह जैसे तेरे प्राण तेरे शरीर से बाहर आने वाले, और ऐसा कब हुआ ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। महामानव को कीड़े मकौड़ों की भीड़ का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं। यदि तुम जिंदा बचे तो हमारा आमना सामना जरूर होगा देव। ये लाल बरसाती कीड़ा तो भाग रहा है, मुझे भी इन देव असुरों से प्रपंच से क्या लेना देना। मुझे तो मानवों का इस धरती से समूल नाश कर दोबारा सरीसृपों की सृष्टि बना बसानी है। देव हो असुर हो या मानव, सबको मारना होगा। गलाल गीचा संशय में था, और संशय दूर करने का उसे एक ही कारगर तरीका आता था। भीड़ का हिस्सा गलाला गीचा भी नहीं है। गलाला गीचा जहां खड़ा हो जाए भीड़ साफ कर देता है। इतनी लंबी नींद से जागने के बाद बहुत भूख लगती है। क्रिकेट पागल हो गया है, उससे बाद में निपट लेंगे। अभी हमें उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना है। क्या हुआ देव, हमसे लड़ने का सामर्थ्य भी नहीं बचा क्या? देखो तो कैसे बिन जल की मछली की तरह झटपटा रहा है। अब इसे इस यातना से मुक्त कर देना चाहिए। मुक्ति तो अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम सभी को इस आजादी से थोड़ा
काली पहाड़ी राजनगर। उफ, क्या उन असुरों के शरीर नष्ट करके तो मैंने अपनी शामत बुला ली है। एक तो यह असुरी ऊर्जा है और दूसरी अशरीरी। यहां पर इससे निपटने के लिए कोई साधन भी नहीं मिल पा रहा, ना स्टार लाइन लटकाने के लिए कोई ऊंची जगह, बस पहाड़ियां, चट्टानें और छोटी छोटी खोए हैं। खोए, यस, ये खोए इस असुरी ऊर्जा से निपटने में शायद मेरी मदद कर सके। आसुरी ही सही है तो ये भी ऊर्जा का ही रूप, और धरती हर किस्म की ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखती है। कुछ समय पहले निशाचर को भी डोगा लोरी और मैंने धरती के नीचे दबाकर ही काबू किया था। जानने के लिए पढ़े नागराज और डोगा का पूर्व प्रकाशित विशेषांक निशाचर। वह युक्ति यहां पर भी प्रयोग में लाकर देखी जा सकती है, और उसके लिए मुझे अपने दोनों ब्रेसलेट से स्टार लाइन्स उस गड्ढे में इस तरह छोड़नी है कि स्टार लाइन का एक सिरा पूरी तरह जमीन में धस जाए। और अब जब यह ऊर्जा मुझ पर दोबारा वार करे, तब ब्रेसलेट से जुड़े इन दोनों सुरों का संपर्क उस ऊर्जा प्राणी से कर देना। अगर मेरी थ्योरी ठीक बैठती है तो बाकी का काम नाइलो मेटल की बनी हुई स्टारलाइन खुद ब खुद कर देगी। युक्ति कारगर रही। आशा है धरती इस आसुरी ऊर्जा को अपने भीतर जज्ब करके इसे सतह के लिए निष्क्रिय कर देगी, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मुझे गड्ढे को चट्टान और मिट्टी से पूरी तरह पाट देना चाहिए। ओ नहीं, यह आसुरी ऊर्जा मेरे अनुमान से कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली लग रही है। अब इस आसुरी ऊर्जा का निशाना बनने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे, ये ऊर्जा वार किसने किया? इस निर्जन स्थान पर मेरा कौन मददगार आ गया जो इस आसुरी ऊर्जा को काटने की क्षमता रखता हो? ये तामसिक ऊर्जा कितनी ही प्रचंड क्यों ना हो ध्रुव, फेसलेस तुम जैसे सच्चाई और मानवता के रक्षक का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि तुम जैसे सत्य के सिपाही कदम कदम पर उनका साथ देने के लिए मौजूद जो। लेकिन तुम अचानक यहाँ राजनगर में कैसे? संसार में कुछ भी अकस्मात नहीं होता ध्रुव, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। मेरा यहाँ आना, इस आसुरी ऊर्जा का तुम पर हमला करना और मेरी तुम्हारी सहायता करना कदाचित पूर्व निर्धारित था। तभी तो दादा वेदाचार्य द्वारा दिए गए विशेष कार्य के लिए राजनगर आते हुए मुझे रास्ते में किसी घोर असुरी शक्ति का आभास हुआ, और उन शक्ति तरंगों का पीछा करते हुए मैं यहाँ पहुंच गया। बिल्कुल सही समय पर तुम किसी फरिश्ते की तरह पहुंचे हो। तुमने उस आसुरी ऊर्जा को बंधक तो बना लिया फेसलेस, लेकिन उसका कोई स्थायी लाभ तुम्हें ढूंढना होगा, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हारे तंत्र बंधनों से आजाद हो गई है। असंभव, इस आसुरी ऊर्जा ने अभिमंत्रित रुद्राक्ष के तंत्र बंधन को तोड़ दिया। आसुरी ऊर्जा की क्षमताओं पर आश्चर्यचकित होने का समय नहीं है फेसलेस, तुम्हें इस ऊर्जा को काबू में करना ही होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं ध्रुव, किंतु लगता है यह आसुरी ऊर्जा मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा प्रचंड है। स्वर्ण नगरी। तो यह है वह दिव्य भवन जिसकी मुझे तलाश थी। कोई देव ही इसके भीतर प्रवेश कर सकता है। यदि किसी देव के अलावा मानव, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस ने इसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। चलो इसमें प्रवेश करके देखते हैं कि यह किसी ऐसे देव को प्रवेश करने देती है या नहीं, जिसके मानस को एक राक्षस चला रहा हो। जिस वस्तु को प्राप्त करने हम यहाँ आए, उसे प्राप्त करना यदि इतना ही सरल होता तो अभी तक कोई ना कोई उसे प्राप्त कर ही चुका होता। इस दिव्य भवन में प्रवेश करने से पहले हमें आपात स्थिति से बचने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी। तुम्हारा कथन सत्य है। माना कि देवों की सुरक्षा प्रणाली में वह सामर्थ्य नहीं कि राक्षस चंडकाल को परास्त कर सके, किंतु दुश्मन को कम आंकना भी मूर्खता होगी। यह पारगमन यंत्र हमें किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संकट से बचाएगा। मैं अंदर प्रवेश कर गया और भस्म ही नहीं हुआ, अर्थात मैं देवों की एक सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में सफल हुआ। देवों की सुरक्षा प्रणाली में अब वह सामर्थ्य नहीं जो हम राक्षसों को रोक सके, यह कहना अतिशयोक्ति होगी। समय से पहले अपनी विजय का उत्सव मनाना पराजय का कारक बन सकता है। अभी केवल हमने भवन में प्रवेश किया है और इस भवन के संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो मैं इस भवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये भवन शीघ्र ही अपने विषय में संपूर्ण जानकारी तुम्हें दे देगा। ओ, ये कैसी किरणें थी जो सभी के शरीरों को स्नान कराते हुए निकल गई, और ये विचित्र सा कृत्रिम स्वर किसका है? लगता है मानो किसी यंत्र से होकर आ रहा हो। किसी का भी हो, सम्मुख आने के बाद उसके शरीर के साथ ही ये कृत्रिम स्वर भी शेष नहीं बचेगा। विचार उत्तम है राक्षस चंडकाल, किंतु किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति उसके संदर्भ में जाने बिना दावे करना वीरों के लक्षण नहीं होते। व्यर्थ कथनों द्वारा समय व्यर्थ न कर मायावी, सम्मुख आ, जैसा आप चाहें असुर श्रेष्ठ। फक, उफ, ये तीव्र प्रकाश शूलों की भांति नेत्रों में चुभ रहा है। आखिर है क्या यह माया? सही पहचाना, माया ही है ये, और इस भवन का नाम है माया वन, और मैं हूं इस भवन की जीव ऊर्जा, या तुम मुझे इस भवन की कृत्रिम चेतना भी कह सकते हो। मायावन स्वर्णनगरी की सुरक्षा प्रणाली का अंतिम और अवैध पड़ाव है। यदि इसे पार कर लिया तो स्वर्णनगरी के साथ ही स्वर्णनगरी में वास करने वाली संपूर्ण देव जाति तुम्हारे अधीन होगी। कौन रोकेगा हमें इसे पार करने से? किसमें है इतना सामर्थ्य? यह भवन स्वयं रोकेगा तुम्हें,
और ऐसा करने में तुम स्वयं इस भवन की सहायता करोगे। कैसे? यह शीघ्र ज्ञात होगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भयंकर हंसी आ रही है और मुझे भयंकर क्रोध, और इस क्रोध को शांत करने का मेरे पास एकमात्र एवं अचूक उपाय है कि तुम्हारे अस्तित्व को ही सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। नष्ट हो गया, बड़ बोला। व्यर्थ समय नष्ट कर रहा था, लेकिन मनोरंजन भी कर रहा था। मुझ पर प्रहार करके तुमने इस भवन के तिलिस्म के प्रथम एवं अंतिम चरण को कार्यान्वित कर दिया है। अब या तो तुम इस भवन का एक अभिन्न हिस्सा बनकर रह जाओगे, या तिलिस्म तोड़कर अपने उद्देश्य में सफल होगे। यद्यपि मेरे कथन के दूसरे हिस्से का यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम इस तिलिस्म को कभी नहीं तोड़ पाओगे, और ऐसा करने से हमें तुम रोकोगे, मैं नहीं, ये रोकेंगे तुम्हें। इस भवन की सुरक्षा प्रणाली ने तुम्हारा मानस का गुप्त अध्ययन करके तुम्हारे ही भूतकाल से उस घटना को पुनर्जीवित कर दिया है जहां तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं ने पराजय का मुख दिखाया था। यहां अंतर केवल इतना है कि यह परिस्थिति उस समय से ज्यादा भयावह है, क्योंकि इन प्रतिरूपों के पास इनके वास्तविक रूपों के अलावा भी अतिरिक्त शक्तियां हैं। स्वर्ण नगरी, तो हम सभी असुरों और स्वर्ण नगरी की कैद से आजाद हुए भगोड़े कैदियों को यह पहली और आखिरी चेतावनी है। या तो आत्मसमर्पण कर दो, या इस क्षण के बाद तुम लोगों का भी जो भी अंजाम होगा उसके तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। आत्मसमर्पण के अतिरिक्त तुम लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। विचित्र संयोग है ये जो मुझे यहाँ स्वर्ण नगरी खींच लाया, अन्यथा मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति को अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए साथ रहा था, परंतु ना जाने कैसे वह इच्छाधारी शक्ति दो हिस्सों में विभक्त हो गई। इससे पहले कि मैं इस बारे में और अधिक छानबीन कर पाता, मुझे बहुत ही क्षीण मानसिक संकेत प्राप्त होने लगे जो कि राजकुमारी विसर्पी के थे और समुद्र में उस स्थान के आसपास से आ रहे थे जहां स्वर्ण नगरी स्थित है। मैंने अपने उन सभी इच्छाधारी साथियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जिन्हें मैंने नाग निरंजनी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था, पर मैं किसी से भी संपर्क स्थापित नहीं कर पाया। विसर्पी और मेरे नाग मित्रों को किसी अप्रिय स्थिति में फंसे होने की आशंका ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। मुझे मेरे नाग मित्रों और विसर्पी की स्थिति का तो पता नहीं चला, न जाने वे किस परिस्थिति में कहाँ पर होंगे, किंतु इस भारी मुसीबत में फंसी स्वर्ण नगरी पर मेरी नजर पड़ गई। अब इनकी रक्षा करना और इन भगोड़े कैदियों को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। तुच्छ मानव, जैसे दिखाई देने वाले मूर्ख कीड़े, तेरा इतना दुस्साहस कि गलाला घीचा को चेतावनी दे? इन कायर असुरों और सता सिद्ध मानवों को तेरी चेतावनी से भयभीत भले ही कर दिया हो, किंतु गलाला घीचा तो जैसे शस्त्रों कीड़ों को बिना चबाए समूचे निकल सकता है। तो तेरे पास आखिरी अवसर है, अपनी कही बात के लिए गलाला घीचा से क्षमा। तो क्या विचार है आप सभी महानुभावों का, आत्मसमर्पण या आत्महत्या? क्या तो ये नराधम सत्य रहा है, इससे टक्कर लेना आत्महत्या करने से कम नहीं है। पिछली बार इसने अकेले मेरी नगरी में घुसकर उसे तबाह कर दिया था और मुझे मृत्यु से भी निकृष्टम जीवन जीने पर विवश कर दिया था। जानने के लिए पड़े नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के पूर्व प्रकाशित विशेषांक आतंक और दुश्मन नागराज। ऐसी कायरों वाली बातें मुझे शोभा तो नहीं देती, किंतु एक मूर्ख वीर बंधक का जीवन व्यतीत करने से उत्तम यही होगा कि एक समझदार स्वतंत्र भीरू का जीवन जी लूं। बस बहुत व्यवधान उत्पन्न कर लिया तूने हमारे अभियान में, अब तेरे मृत शरीर पर चलकर ही अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे हम। सैनिकों जाओ, जो भी इस तुच्छ मानव का शीश काट कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगा वह इस युद्ध में जीती हुई स्वर्ण मुद्रा के 40% भाग का स्वामी बनेगा। जाओ। इन गिज बिजाते हुए जंतुओं के बल पर तू मुझे और मेरी सेना को परास्त करने का स्वप्न देखने चला है? नहीं, वह तो बस दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए था। असल प्रहार तो मैं अब करूंगा। स्वर्ण नगरी, मायावन, ध्रुव, जिंगालू, किर्गी और धनंजय के प्रतिरूपों से लड़ते हुए मेरी इन सभी से पहली टक्कर के दृश्य मेरी आंखों के आगे उभर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस घटना को दोबारा जी रहा हूं। अंतर केवल इतना है कि यह प्रतिरूप उससे अधिक शक्तिशाली है, और तब मैं इनसे एक रूप में लड़ा था और अभिभक्त होकर लड़ रहा हूं, किंतु उस समय भी मैंने परास्त नहीं कर पाया था और इस समय भी उनके प्रतिरूपों को परास्त कर पाना दुष्कर हो रहा है। यह तिलिस्म मेरी उम्मीदों से ज्यादा कठिन सिद्ध हो रहा है। ऐसे में यदि मैंने जल्दी इस चरण को समाप्त नहीं किया तो शीघ्र ही मैं इस तिलिस्म में कैद होकर रह जाऊंगा। अरे, ये तो वही घटना दोहराई जा रही है किंतु भिन्न तरीके से। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है किंतु कृत्रिम संसार में। उस समय भी उस शैतान लड़के ने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके भवन निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र में गिराकर मुझे बंधक बना लिया था। जानने के लिए पड़े किर्गी का कहर, और आज भी ये लोग मुझे उसी प्रकार परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः सफल भी होने वाले हैं।
और तब इन्हें संचालित कर यहाँ से आगे बढ़ना या बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। तीव्र घूर्णन के कारण इन तीनों देवों का मस्तिष्क शीघ्र ही मूर्छावस्था में चला जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन इस अवस्था में मैं करूँ भी तो क्या? एक उपाय है, अपने मानस के बिना यह शरीर वैसे भी मूर्छावस्था में है, अर्थात यदि मैं अपने मानस को इसके शरीर से पृथक कर लूँ तो इस तीव्र घूर्णन का असर उनके मस्तिष्क पर होना बंद हो जाएगा और क्षण के हजारवें हिस्से में मैं दोबारा इनके शरीर पर कब्जा कर घूर्णन का असर होने से पहले ही सर्वप्रथम इन देवों की शक्ति द्वारा इस घूर्णन गोले को नष्ट करूं और इसके पश्चात इन प्रतिरूपों को नष्ट कर दिया हमने, अपने प्रतिद्वंदियों को। इसी के साथ मेरी एक अप्रिय स्मृति पर भी मैंने विजय प्राप्त कर ली जब इन चारों ने मिलकर मुझे परास्त किया था। अब वह स्मृति दुस्वप्न बनकर मुझे विचलित नहीं किया करेगी। और इसी के साथ हमने इस तिलिस्म के प्रथम एवं अंतिम चरण को भी पार कर लिया। किंतु ये कैसे हो सकता है? किसी तिलिस्म का प्रथम चरण उसका अंतिम चरण कैसे हो सकता है? क्योंकि इस तिलिस्म का प्रथम चरण टूटने के साथ स्वतः पुनर्नियोजित कर पुनः शुरू हो जाता है, एक नई स्मृति को पुनर्जीवित करते हुए पहले से अधिक घातक परिस्थितियों के साथ। स्वर्ण नगरी, खच खच खच, तुम्हारी असुर सेना ध्वस्त हो चुकी है। तो अब तुम बिना सेना के सेनापति और युद्ध सेना के बिना जीते नहीं जाते। पराजय स्वीकार कर लो। शक, सत्य कहा तूने जंतु मानव, युद्ध सेना के बिना नहीं जीते जा सकते। अब चूंकि तुमने मेरी सेना को ध्वस्त कर दिया, ऐसे में मेरा इस युद्ध को लड़ पाना असंभव है। किंतु यदि युद्ध को लड़ने और जीतने की शर्त यही है कि मेरी सेना मेरे साथ हो, तो यह शर्त अवश्य पूरी होगी। ले कर दी मैंने ये शर्त पूरी। मेरी असुर सेना के प्रत्येक सैनिक की आसुरी ऊर्जा मेरे अंदर समा चुकी है। इसका तात्पर्य समझता है? इसका तात्पर्य है कि मैं एक चलती फिरती सेना बन चुका हूं। फरा ओह, ध्वंसक सर्प के शरीर पर केवल मामूली सा असर नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। समस्त असुरों की तामसिक ऊर्जा ने इसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है। तुम ठीक तो हो ना मित्र? तुम जीवित हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रकोष्ठ के कैदी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।